चेन्नई सुपर किंग्स बनी आईपीएल 2025 की सबसे खतरनाक टीम। प्लेइंग 11 में हुए कई बड़े बदलाव, शामिल हुए कई खतरनाक खिलाड़ी। बताएंगे कैसी होगी आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल 2025 और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2025 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, मेगा ऑक्शन भी खत्म हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने स्क्वाड को तैयार कर लिया है। मेगा ऑक्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में कुल 25 खिलाड़ियों को जगह मिल चुकी है। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। आईपीएल 2025 में एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदल सकती है। बताएंगे कैसी होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से चैंपियन बनेगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बतौर ओपनिंग बल्लेबाज भी खेलेंगे। डेवन कॉन्वे को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक बार फिर से खरीद लिया है। डेवन कॉन्वे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। डेवन कॉन्वे को कुल मिलाकर 6.2 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया है। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी को जगह मिल सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने राहुल त्रिपाठी को 3.4 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। राहुल त्रिपाठी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। पिछले सीजन में राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे। नंबर 4 पर रचिन रविंद्र को जगह मिल सकती है। रचिन रविंद्र एक बेहतरीन बल्लेबाज है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रचिन रविंद्र को एक बार फिर से 4 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। रचिन रविंद्र पिछले सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने शिवम दुबे को रिटेन किया था। नंबर 6 पर रविन्द्र जडेजा को जगह मिलेगी तो वही नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं। इन दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रिटेन किया था। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर सैम करन की वापसी हो चुकी है। सैम करन पिछले सीजन में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सैम करन को 2.4 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। नंबर 9 पर रविचंद्रन अश्विन को जगह मिलने वाली है। रविचंद्रन अश्विन को 9.75 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया है। रविचंद्रन अश्विन के आने के बाद गेंदबाजी तो मजबूत होगी, साथ में निचले क्रम में बल्लेबाजी को भी मजबूती मिलेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने खलील अहमद को 4.8 करोड़ की कीमत पर खरीदा है। खलील अहमद नंबर 10 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मथीसा पथिराना भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पथिराना को 13 करोड़ की कीमत पर रिटेन किया था। आपको क्या लगता है आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।